अस्सलामुअलैकुम डियर ब्रदर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। आज इतवार का दिन है और आपको मैं आज बार फिर ये कतूत बाज़ार लेकर आया हूँ। और यहाँ पे देखें कितनी चहल पहल है, पतंगे लगी हुई हैं और गुड्डे लगे हुए हैं और अपने शौक के लिए काइट्स खरीद रहे हैं। बहुत प्यारे नित नए डिज़ाइन जो हैं वो बनाए गए हैं, ये देखिएगा। और इतवार है चूँकि मौसम भी काफ़ी बेहतर हो गया, 3-4 दिन यानी कि पूरा हफ्ते यहाँ पर बारिशें थी, उसके बाद जो है मौसम बेहतर हुआ है। तो बच्चे अपने शौक़ के लिए ये देखें कैसे अपनी काइट्स और केमिकल खरीद रहे हैं बाज़ार में, और खाने पीने के स्टॉल भी लगे हुए हैं, ये देखिएगा। जो बच्चे काइट्स नहीं ले रहे वो जो है खाना खा रहे हैं। तो बहुत ही प्यारी डिज़ाइन वाली काइट्स जो है आज इतवार के दिन डिस्प्ले की गई हैं, ये देखिए। ये पर्पल पर्पल काइट जो है, इसमें ये हुक्म का पान बना हुआ है, और इस तरह जो ये ब्लैक जो है अच्छा डिज़ाइन उन्होंने बनाया हुआ जी। देखिएगा यहाँ पे जो है लड़के आए हुए हैं और केमिकल जो है वो अपनी चरखे पे चढ़ा रहे हैं। काफ़ी बड़ी तादाद में जहाँ पे चरखियाँ पड़ी हुई हैं और नंबर पे लोग खड़े हैं चरखे पे केमिकल चढ़ाने के लिए। और इस तरह हर दुकान पे आप देखिएगा कि कितनी रश है और कितनी एंजॉयमेंट के लिए लड़के आए हुए हैं और काइट्स ख़रीद रहे हैं। और यहाँ पर जो है काम हो रहा है, देखिए ये चरखी पर जो है केमिकल चढ़ाया जा रहा है। बच्चे जो हैं आप अपने अपनी पसंद के कलर लेकर जो है वो चरखे पर चढ़ा रहे हैं। और इस तरफ देखेंगे जो सब जो हैं वाइट पतंगे जो हैं वो डिस्प्ले हैं। ज़्यादा जो है वाइट पतंग जो हैं वो डिस्प्ले किए गए हैं, क्योंकि जो रात के वक्त अक्सर पतंगबाजी होती है तो उसमें वाइट पतंगों का जो है रोल बहुत प्ले होता है, कि वाइट पतंगे जो है रात को काफ़ी नुमाया नज़र आती हैं। आगे आइएगा, आगे देखते हैं जी आप। ये आहिस्ता आहिस्ता हम जो बढ़ रहे हैं ये हाजी सराज साहब की दुकान की तरफ और हाजी नसरुद्दीन साहब की दुकान की तरफ, जो जिनका गुज़िश्ता 30-40 साल से यही कारोबार है, यही काम है, और उनका नाम पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में काफ़ी मशहूर है। और किस अच्छे उनका पूरी दुनिया में काफ़ी नाम जो है मशहूर है। और ये जो है एक और दुकान है जहाँ पर काफ़ी काइट्स लगी हुई हैं, और इनसे हम पूछते हैं कि आज बाहर का मौसम शुरू होने जा रहा है तो आपका काम कैसा है? अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, कैसे हैं आप? अच्छे हैं, ठीक ठाक है, खैरियत से? बताएगा जी, हम आपके पास काफ़ी अर्से बाद आए हैं, इजाज़त है हमें अंदर आने की जी। भाई ये बताइएगा कि आपके पास कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं, पतंगे हैं, केमिकल हैं और कोई ऐसी केमिकल तो नहीं है जो ख़तरनाक हो, ये भी बताइएगा, क्योंकि काफ़ी कहा जाता है जी कि केमिकल जो ऐसी मिलती हैं जो बाज़ार में ख़तरनाक होती हैं। और बच्चे जो हैं किस शौक और किस जज्बे के तहत आ रहे हैं जी? असल में बात इस तरह है कि जो नुकसानी चीज़ होते हैं वो तो हम बेचते नहीं है, क्योंकि उन पैसों का फ़ायदा ही नहीं है ना। एक चीज़ का नुकसान हो तो उसके पैसों का फ़ायदा ही नहीं है। ये जो आपके सामने पड़ा ये सारा केमिकल है, ठीक है भाई। ये बच्चे जितने भी बड़े बच्चे जो भी आते हैं इसी से अपना शौक पूरा करते हैं, नुकसानी चीज़ हम नहीं बेचते इधर। और बाकी अगर वैरायटी के उसके आप बात करें तो हमारे साथ हर किस्म की वैरायटी इधर पड़ी है, अच्छी क्वालिटी वाली। और अगर आप गुड्डों के लिहाज से देखें तो अच्छी क्वालिटी वाली हमारे साथ पड़ी ये है। जो आपके पास जगुआर पड़ी है इसकी कीमत बताइएगा, ये कितने की है और ये कितने हज़ार मीटर होती है, गज होती है, इसका क्या तरीका कार होता है? रिजवान भाई ये 60,000 मीटर होता है, ठीक है। और ये चमक वाले ये आप देख सकते हैं इस तरह, इसमें 60,000 मीटर होते हैं और इसकी प्राइस 1,000 रुपये जी। जगुआर की प्राइस 1,000 रुपये। अच्छा जो है ये TMA जो लिखा हुआ है इसकी क्या प्राइस है ये बताइएगा? ये इसमें देखे आप ये 900 रुपये का ओरिजिनल
ये ब्लैक फायर टीएमए का जो है 900 रुपये में इन्होंने बताया है। और अपनी दुकान का नाम तो बताइएगा, तो आपने बताया नहीं। एस के काइट हाउस और मेरा नाम शाहिद है। एस के काइट हाउस पे जो है जगुआर ओरिजिनल टीएमए पड़ी हुई है, और इसमें छोटे सैंपल्स भी आपके बच्चों के लिए जो पड़ी हुई है वो भी पड़े हैं। ये छोटे पैकेट भी यहाँ पे पड़े हुए हैं। पैकेट होते हैं ये 800 रुपये। ये 10 वाला पैकेट जो है ये 800 रुपये का है, पर पीस पड़ते 80 रुपये का। इसके अलावा फिर आप थोड़ा पीछे हो जाइए, दुकान की वैरायटी भी दिखाइएगा और दुकान भी हम दिखा देंगे जी। इसके अलावा ये वाले पीस है लावा वाले ओरिजिनल, ये 2000 रुपये पैकेट है। इसमें 8 पीस होते हैं, पर पीस 250 रुपये का पड़ता है। अच्छा, इसके अलावा दिखाइएगा जी। इसके अलावा ये वुड कटर है ओरिजिनल वाला, ये 500 रुपये का। वुड कटर 500 रुपये में है। ये कितने हज़ार मीटर है जी? ये 40,000 मीटर होता है इसमें। इसके अलावा फिर ये बोराक है। बोराक का तो काफ़ी नाम हमने सुना था इसमें। नाम तो मैं कहता हूँ नाम ही काफ़ी है बोराक का। ये ब्रांड है जी? हाँ, ये ब्रांड है बिल्कुल। एक ब्लड फाइटर और एक बोराक, बस इसका नाम ही काफ़ी है। ये भी ओरिजिनल टीएमए वाला ब्रांड है, ये देख सकते हैं। ये देखिए, ये ओरिजिनल टीएमए जो है ब्रांड है। और इसकी कीमत क्या बताइए जी आपने? 500 रुपये। ये 500 रुपये में है, सिर्फ 500 रुपये में। और ये हम देख रहे हैं, ये बड़ी चरखियाँ भी वहाँ पे पड़ी हैं। इसका थोड़ा रेट बताइएगा कि ये कितने की? और ये इसमें भी 50,000 मीटर है। ये 800 ग्राम वाले, मतलब किलो पे बिक जाते हैं, पर 800 ग्राम है इसमें। ये 700 रुपये प्राइस है इसकी। ये तो हो गया जी केमिकल। और मुख्तलिफ वो वैरायटी है, बिग बॉस वाला भी है, बोराक वाला भी है, 555 वाला है, और भी वैरायटी है। इसमें डब्बे पड़े हुए हैं, इन डब्बों में क्या आपने रखा हुआ है? इसमें वो छोटे बच्चों वाले होते हैं, डबेरा वाला दागे। इसमें बच्चों वाले पीस होते 1000 मीटर होता है इसमें। ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये वाले ये पीस होते हैं। ये 700 रुपये डब्बा है, यानी 70 रुपये पीस पड़ता है करने पर। अच्छा शायद साहब, अपना नंबर और बता दीजिए कि अपने नंबर पर आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो। मेरा नंबर 0311-90-90-204, 0311-90-90-204। इस पर व्हाट्सएप भी है, सारे इसमें है नंबर जो है, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं शायद साहब से। और थोड़ा हमें गुड्डों की तफसील बताइएगा जी, गुड्डो आपके पास फैंसी कौन से पड़े हैं और इनके रेट्स क्या हैं जी? ये देखिए आप, फैंसी ये वाले, ये डेट था हुआ है जी, ये 5000 रुपये सेंगड़े, 50 रुपये पीस, 50 रुपये पीस पड़ता है जी। ये 5000 डिजाइन है। और ये वाला है, ये सैंपल है, ये वाला, ये सब जो है 5000 रुपये है। ये डेढ़ तावा काटदार देखे यहाँ पर, तो ये वाला ये 4000 रुपये सैकड़ा, 4000 रुपये जो है काटदार। और जो फैंसी जो है दो आंखों वाले और जो डिज़ाइन वाले हैं वो 5000 रुपये। और ये एक और स्पेशल चीज़ उन्होंने निकाली है, ये बताइएगा शायद साहब के इसमें जो है ये पेपर कौन सा लगा हुआ है जी? ये जर्मन पेपर है, जर्मन पेपर में जो है ये भी 5000 रुपये सैकड़ा। इसमें ये सूट भी है, बिल्कुल सैंपल सादा जो है वो 4000 में जनाब। इसके अलावा तावा है फिर जर्मन पेपर में, ये वाला, ये तावा जी देखिएगा, ये क्या सैकड़ा है जी? जर्मन पेपर है, साइज पूरा है इसका 40, ये होता है 38 साइज। ये अगर साइज हवाले से बता दिए कि इसमें भी काफी इब्हाम है। हाँ बिल्कुल, इसमें एक 38 साइज आते हैं हमारे साथ, ये 40 साइज पूरा है इसका। ये 2500 रुपये सैकड़ा है, यानी पर पीस आपको पड़ता है 2500 रुपये में। ये जो इनका साइज कह रहे हैं 40 साइज कह रहे हैं, और पर पीस जो है आपको 25 में, यानी 2500 रुपये में आपको 100 पीस मिलेंगे। इसके अलावा ये पाकिस्तानी पेपर जिसे कहते हैं, हाँ जी, ये जो हल्का क्वालिटी की बात है जी, पाकिस्तानी पेपर में ये जो दिखाई कमान वमान, इसका तीर दिखाइए। ये देखे ना, इस तरह बिल्कुल A1 बना हुआ है तीर कमान, आप देख सकते हैं। इस तरह जो इसके शौक रखते हैं उन्हें पता चलता है, उन्हें एक आँख में देखते हुए एक सेकंड में पता चल जाता है कि इसका कमान और तीर का पता चल जाता है जी। तो ये 2200 रुपये से अंकड़ा, ये बहुत मुनासिब पैसे उन्होंने बताए हैं जी, 2200 रुपये के 100 पीस। कलर बहुत है इसमें, इसमें काफ़ी कलर है, दिखाइए क्या हमारा। ये देखेंगे इसमें, इसमें भी काटदार हैं, डिज़ाइन वाले हैं जी, इसमें भी काटदार है, कलर बहुत है इसमें। और शायद अब इसके अलावा ये छोटे बच्चे जो हैं वो जो शौक करते हैं उनका बताइएगा, वो भी काफ़ी आपको तंग करते होंगे टेलीफोने करके। हाँ तंग करते, बाजूकात कहते यार मुझे 2 केमिकल चाहिए, तो बड़ा तंग करते। हम कहते यार 2 केमिकल की बिल्टी नहीं होती है। तो ये छोटे, ये किस छोटे, ये देखिए जी सबसे छोटे प्यारे बच्चों के लिए है ये छोटे काइट्स, 250 रुपये सैकड़ा, इंतहाई मुनासिब पैसों में 250 रुपये में जो है ये सैकड़ा है जी शाहिद साहब की दुकान पे। और जो ये इसको क्या कहते हैं फरफरा जी, हमें तो नाम भी नहीं आते, ढाई शरला इसको कहते हैं, ढाई शरला। ये 400 रुपये में जो है शाहिद साहब की शॉप पे आपको 100 पीस मिलेंगे जी। इनका इनका नंबर हमने आपको दिखा दिया, स्क्रीन पे भी आपको डिस्प्ले करेंगे। तो जिन्होंने इनसे रब्ता करना हो तो इनसे रब्ता करके तो आप माल ख़रीद सकते हैं जी। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ वैरायटी है अपने पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर दुनिया में किसी को दिखाना चाहते हैं तो बताइएगा जी। वैरायटी तो बहुत पड़ी है हमारे साथ, ये वाली है आजकल ये नया है। अच्छा ये वाला, ये तो ये अफलातून। बाबा ओ हो, क्या नाम निकाला जी, अफलातून।
ये तो मेरा ख्याल काफ़ी SJG सजीद गुल, अच्छा गुड माशाल्लाह, सजीद गुल का ब्रांड है जी बाई नेम जो है। डेढ़ किलो धागा है ये, डेढ़ किलो धागा है जी, काफ़ी हाई वेट है और तार भी अच्छी है। ये ज़बरदस्त है, ये बड़े गुड्डों के लिए होते हैं रिजवान भाई। ये डाई तावा वगैरह, तुकल वगैरह, ये जितने भी तेज़ हवा मर्जी आप उड़ा सकते हो इस पर, ईजिली आप उड़ा सकते हो। ये जी SJG जो है ये मोटी केमिकल है और जितनी भी तेज़ हवा हो अपना ख्याल रख के ये आप उड़ा सकते हैं जी। ढाई तावे से भी बड़ा गुड्डा। प्राइस जो है वो 2000 रुपये, चीज़ ओरिजिनल। असल में ये डोर हम इधर इस्तेमाल नहीं करते, जो नुकसानी चीज़ है उसके बजाय हमने ये केमिकल निकाला है। बहुत ही अच्छा इन्होंने जो किया जी, SJG ने जो ब्रांड निकाला है, मेरे ख्याल पाकिस्तान में पहली बार ये ब्रांड सामने आ रहा है कि ये जो है ढाई तावा उड़ाएगा, बहुत तेज़ हवा में भी उड़ाएगा और नुकसान देह भी नहीं होगा, इनका कहना ये है। और इसमें जो है ये कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा हुआ है, आप शाहिद साहब से रब्ता कर सकते हैं इस नंबर पर भी, और जो चाहिए आपको माल आपको मिल सकता है जी। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आपने हमें टाइम दिया, शुक्रिया। और रिजवान भाई कोई खिदमत? थैंक यू। यहाँ पे जो है मशीन लगा कर बैठे हुए हैं और केमिकल जो है वो चरखे पे चढ़ाने के लिए बच्चे भी खड़े हैं और केमिकल पे काम भी हो रहा है। ये देखिए अपनी पसंद की कलर लेकर जो है चरखे पे चढ़ाए जा रहे हैं और ये बच्चे भी खड़े हैं जी। बेटा बताइएगा आप कहाँ से आए हैं और क्या लेने आए हैं आज इतवार का दिन है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, कल भी उड़ाए हैं आज भी उड़ा रहे हैं और बस ये चरखी लपेट रहे हैं, फिर बस जाएंगे उड़ाएंगे। कौन सी आपने केमिकल लिया, आपको कैसे पता चलता है कि ये केमिकल अच्छा है, कैसे पता चलता है आपको? चूहे का लड़ाई है तभी है, कल लड़ाई है। इस केमिकल का क्या नाम था? ड्रैगन। अच्छा जिस बच्चे ने जो है ड्रैगन लिया है उसके बाद कितनी पतंगे आपने काटी हैं? दो। गुड, आपने दो पतंगे काटी हैं ड्रैगन से, आज दोबारा जो है ये लेने आए हैं और केमिकल जो है चरखी पर अपने चढ़ा रहे हैं ये। और आगे आइए देखिए कि वो सामने जो है वो भी काफ़ी बच्चे काफ़ी तादाद में खड़े हैं, वो भी जो अपना जो है केमिकल लेकर और हाजी सिराज साहब की दुकान के बाहर जो है ये केमिकल जो है चढ़ा रहे हैं। ये देखिएगा नंबर में बच्चे जो हैं ये खड़े हैं और केमिकल चढ़ाने के लिए। ये देखिए बाबा जो है अपनी फनी महारत के साथ इस वक्त जो है चरखियों के ऊपर चढ़ा रहा है ये केमिकल, क्योंकि हाथों को देखेंगे ऊपर देखिए। और बहुत इंतहाई मुनासिब पैसे लेते हैं और ये जो चरखियों पर चढ़ाते हैं केमिकल। और अब हम जो हैं हाजी सराज साहब की दुकान पर जाएंगे और आपको नित डिज़ाइन दिखाएंगे 2022 के जश्न बहारा के, जो हाजी साहब ने केमिकल तैयार किए हैं, ये डिज़ाइन बनाए हैं। और काफ़ी तादाद में हाजी साहब के पास भी लोग आते हैं सामान लेने होलसेल के लिए। देखिए जी 2022 की पतंग और साथ मच्छल तैयार किया है इन्होंने। और यहाँ पर जो डिस्प्ले में जिन्होंने काफ़ी डिज़ाइन की पतंगे और काइट्स लगाई हैं, बड़े 6 तावे भी उन्होंने लगाए हुए हैं जिसमें मुख्तलिफ कलर्स के येलो, ब्लैक, रेड, पिंक और ब्लैक जो है इसमें छोटी छोटी पतंगे बनाई गई हैं। और ये हुक्म के पान वाला जो है ढाई तावा तैयार किया गया है। उसके बाद आगे आएगा AMP, ये भी जो है 6 तावा तैयार किया गया है, बहुत फैंसी, बहुत बेहतरीन। और ये सबसे बेहतरीन जो है जश्न बहारा, यदि मार्च शुरू हो जाता है तो जश्न बहारा का गुड्डा भी हाई साहब ने तैयार कर लिया है। और हम यहाँ पे जो मौजूद इनाम है उनसे बात करेंगे कि इनके पास कौन कौन सी वैरायटी हैं केमिकल के हवाले से, उनके रेट्स क्या हैं, गुड्डों के रेट क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम इनाम भाई, इनाम कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? काफ़ी अरसे बाद मेरा आना हुआ, लोगों की काफ़ी फरमाइश थी कि हाजी सिराज साहब की दुकान पर जाएँ, और आपके बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। और आप हमें थोड़ा ये पहले गुड्डों को बता दें, उसके बाद बता दें कि आपके पास कौन कौन से केमिकल और कितने कितने के हैं। आज ये जी ये तावा है, ये तावा जो है ये कितने का है जी? ये 2500 रुपये का जो है ये सैकड़ा तावा है। और इसके बाद जो है इसमें काफ़ी कलर्स हैं जी, पिंक, रेड और इसमें वाइट भी है। ये देखिएगा जी, ये वाइट भी है ये। और ये पूरा है तावा, ये साइज़ क्या है इसका जी? 40 इंच का जो है पूरा तावा। और कागज़ जो है जर्मन पेपर में लगा हुआ है? हाँ, फुल जर्मन पेपर, फुल जर्मन पेपर। इसके अलावा जो और डिज़ाइन पहले दिखाइए, और दिखाइएगा, ये रेड भी है जी, जर्मन पेपर में रेड भी है। अच्छा, और डिज़ाइन वाले कुछ दिखाइएगा जो स्पेशल कोई बनवाए हुए हैं, स्पेशल मच्छर बनाए हुए हैं डिज़ाइन में, जो अंदर इनके और स्टॉक पड़ा होता है। ये देखिएगा ये डिज़ाइन में, ये जी ये डिज़ाइन में यही गुड़े इनके पास पड़े हुए हैं। और इसके अलावा जो है आप हमें अब केमिकल, ये भी ढाई तावा जो है, ये टेडी पान, ढाई तावे में जो है टेडी पान है, ये इसका क्या रेट है? ये 40 रुपये
40 रुपये का, 4000 रुपये का सैकड़ा, ठीक है। और अब आप आ गए, हमें केमिकल के थोड़े से बताइए कि केमिकल आपके पास कौन कौन से हैं, उसकी वैरायटी छोटे से लेकर बड़े तक जो है, और स्पेशल जो हैं तार नंबर भी उनका बताइएगा कि नंबर्स क्या हैं जी। कहाँ से शुरू करें जी? ये बुराक ओरिजिनल बुराक है, ये कितने का है जी? 500। ये 500 रुपये में जो है ओरिजिनल बुराक जो है, और इसके साथ जो है ये जागवार 550 रुपये में जो जागवार जो है वो केमिकल, इनके बजे कितना मीटर है जी? ये तकरीबन 700 ग्राम धागा है, 700 ग्राम धागा जो है जागवार 550 रुपये का, 800 ग्राम धागा बिग बॉक्स जो है वो 800 ग्राम धागा जो है 600 रुपये में, इंतहाई मुनासिब पैसों में जो है। उसका नंबर भी होते हैं, कोई नंबर बताइए कितने नंबर का है? 28 नंबर में जो बिग बॉस है वो इनके पास है, और ये जो है हंटर हिटलर की क्या प्राइस है? 800 रुपये। हिटलर जो है वो 800 रुपये में किलो वाला, 1 किलो। और जो है KM भी काफ़ी मशहूर धागा है जी, 500 रुपये, ये सिर्फ 500 रुपये में। और ये शूटर, ये शूटर जो है ये 1100 रुपये में है। ये कौन सा नंबर धागा है जी? 28 नंबर, 28 नंबर शूटर जो है। इसमें कितना है, ये कितने मीटर है? ये तकरीबन 1200-1300 ग्राम धागा, 1200-1300 ग्राम धागा जो है शूटर। ये जो है 1000 रुपये में आपने बताया, 1100 रुपये में। और अपना नाम बताइएगा, और राजी साहब का नंबर बताइएगा जो आपसे रब्ता करना चाहें आप। क्यों नहीं, नंबर लिखो अजी साहब का, 0315-630-7711, ये जी साहब का अपना नंबर है। नहीं, दुकान का नंबर बताया जिस पर जो व्हाट्सएप कर सके। दुकान का नंबर 0345-1551-50, 0345-1155-1150। हाँ जी, अच्छा जी, आगे आएगा। और आपके पास कोई वैरायटी है, स्पेशल वैरायटी है वो भी बताइएगा। ये रेशम वाले जी, ये रेशम वाला जगवार है, इसकी क्या प्राइस है? 900 रुपये, 900 रुपीज़ जो है रेशम वाला जगवार की प्राइस है। और ये बुराक जो है ये भी रेशम वाला बुराक है, इसकी क्या प्राइस है? 1000 रुपये, 1000 रुपये में। इसकी कितना मीटर है, नंबर क्या है इसका? ये 28 नंबर, 1 किलो वाला है, 28 नंबर जो है 1 किलो वाला जो है 1000 रुपये में। ये रेशम वाला, ये भी TMA ब्लैक फाइटर रेशम वाला, ये भी 1000 रुपये में, सिर्फ 1000 रुपये में। आगे दिखाते हैं जी आपको, ये कोई ऊपर से उतार रहे हैं TMA ब्राक ड्रोन, ये कितने का है जी? 1000 रुपये का, ये भी 1000 रुपये में। ये कितने नंबर था गए? ये 28 नंबर था गए। बहुत शुक्रिया इनाम आपका, आपके कस्टमर आ गए, आप बात करें, हम आपके किसी और भाई से बात करते हैं जी। ये जी ख़रीदा, इन्होंने कुछ माल ख़रीदा है, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, उर्दू मेरी जी, ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं और कौन सा केमिकल आपने खरीदा है और कब से पतंगबाजी कर रहे हैं? यार ये तो बच्चों के लिए लेके जा रहे हैं हम, खुद भी उड़ाते हैं लेकिन नहीं, इतना नहीं उड़ाते हैं। कितने आपके जो है, कितने अरसे से आपने पतंग नहीं उड़ाई, या बचपन से आप उड़ा रहे थे, और कितना अरसा हुआ है आपने पतंग नहीं उड़ाई? जब बच्चे उड़ाते हैं तो फिर आप उनके साथ पतंग उड़ाते हैं? हाँ उड़ाते हैं, क्यों नहीं, लाजमी बात है, उड़ाते हैं, शौक है बस उड़ाते हैं, हम कोई और शौक है ही नहीं, यही शौक उड़ाते रहते हैं। तो आप इस शौक को कैसा देखते हैं, वो ख़तरनाक शौक तो नहीं है? यार शौक तो ख़तरनाक है, देखेंगे कि यहाँ पे बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हैं और अपने लिए पतंगे और काइट्स खरीदी हैं, तावा, डेढ़ तावा, ढाई तावा। जी बेटा, ये आपने काइट्स क्यों खरीदी हैं जी? आज हमारी बसंत है और हम लोगों ने इसलिए गुड़ियाँ खरीदी हैं कि हम लोग उड़ाएंगे और सही मज़े करेंगे। आपने कौन कौन सी गुड़िया और कितने की खरीदी हैं? ये वाली 50 की, ये वाली 100 की, और ये सारी 50-50 की हैं। इन्होंने जो है 3-4 गुड़िया खरीदी हैं, 50 की, 100 की और 50 की। और बेटा आपने क्या लिया है? 300 का गोल्ड लिया अंकल। ये कौन सी गोल्ड है? ये
लाबा। ये कितने के लिए है? 300 रुपए की लाबा इन्होंने गोद लिए। और जाएं बेटा आप एंजॉय करें, अपना ख्याल भी रखें। और ये देखिएगा, ये छोटे बच्चे ने एक और काइट खरीदी हुई अपने फरफरा, ये देखिएगा। और इस तरह जो है हर बच्चे के हाथ में आप देख सकते हैं छोटी छोटी काइट्स हैं, और वो अपने लिए उड़ाने के लिए एक हाथ में केमिकल और एक हाथ में काइट है। और ये जो है एक और भाई ये माल लेकर रक्शे में जा रहे हैं, ये देखिएगा इन्होंने काफ़ी पतंगे ली हैं और ये माल लोड कर रहे हैं। और ये कुछ लोग जो हैं मोटरसाइकिल पे लेके जा रहे हैं बहारा, यानी कि बसंत शुरू हो गई है पेशावर में, और हर दुकान पे ही बच्चों का रश है और अपनी बसंत की काइट्स दे रहे हैं। हर दुकान पे आप देखिएगा कितनी ज़्यादा रश है अपने लिए, हर बच्चा जो है अपनी पसंद की काइट्स ख़रीद रहा है। इस लड़के ने जो है ये देखिएगा मछली, ये पतंगें इन्होंने ख़रीदी हैं, देखिएगा अपने शौक़ के लिए काफ़ी ज़्यादा पतंगें जो है इन्होंने अपनी ख़रीदी हैं। ये छोटे बच्चे ने अपने फरफरे पेशावर आज रंग बिखेरे हुए, सारे पेशावर जो है आज रंग बिखरे हुए हैं मुख्तलिफ़ कलर्स के, मुख्तलिफ़ डिज़ाइन के। और ये हमारे एक और दोस्त आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। आप आएँ जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बेटा आप? ठीक हैं? आएगा तकलीफ माफ़, सॉरी। आप लाहौर से आए हैं तो आपको पेशावर में आकर कैसा लग रहा है, कैसे आपकी फीलिंग्स हैं? क्या पतंगे ख़रीदने आए हैं, पसंद बनाने आए हैं? अभी तो पसंद बनाने ही आए हैं, अभी तो पता नहीं, कुछ भी रेट का पता करेंगे फिर उसके हिसाब से लेंगे चीज़ें। रेट्स तो आप पता करेंगे, मुनासिब रेट्स ही होंगे पेशावर में इंशाल्लाह। और ये बताइएगा कि आपको माहौल कैसा लग रहा है यहाँ पर पतंगे देख के, लोगों के जो एक्सप्रेशन देख के, बच्चों की कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं जी? बहुत ज़्यादा, अभी तो देखेंगे पता लगेगा रेट्स, फिर उसके बाद एक्साइटेड भी होंगे, देखना उसको कैसे एक्साइटेड होते हैं, फिर पता लगेगा। तो जो हमने आज हम एक और चीज़ हमको स्पेशल हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो ये इंसाफ गुडी फरोश में जो है पूरी मार्केट में पतंगे इतनी नहीं हैं जितनी इनकी शॉप में हैं। हर किस्म की पतंग यहाँ पर देखें आप, हैंग हो सकती हैं, 4.5 गिठी, 5 गिठी, 6.5 गिठी पतंगे जो हैं हर किस्म की डिज़ाइन की इनके पास हैं। इनसे आप पूछते हैं जी पतंगों के रेट्स क्या हैं, और जो ये फैंसी इन्होंने गुड्डे बनाए हुए हैं डेढ़ तावे मुख्तु डिज़ाइन में, ये भी हम इनसे पूछते हैं कि इनके क्या रेट्स हैं। और जो ये अस्सलाम वालेकुम बेटा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छे साफ भरोसे आप जी? पहले तो आप अपना शॉप का नाम बताइएगा और अपना मोबाइल नंबर बताइएगा, और फिर बताइएगा आपके पास कौन कौन सी पतंगे हैं और कौन कौन साइज़ हैं, उनके रेट्स क्या हैं? साफ का दुकान है भाई, इंसाफ काइट्स पतंग हाउस है ये जी। और अब हम इसे पूछने जा रहे हैं कि पतंगों के रेट्स क्या हैं, तावा धरी तावा आडा, इनके रेट्स बताइएगा और अपनी दुकान का नंबर और मोबाइल नंबर भी बताइएगा। 4.5 गिटी 1800 रुपये रकम है, 5.5 गिटी 2500 रुपये रकम है, तावा मिल जाएगा 25-30 वाला मिल जाएगा, 24 वाला भी है, डेढ़ तावा 40-45 वाला भी है, इसमें 50-55 वाला भी है। इधर 50-55 वाला तो हमें दिखाइएगा, 40-50 वाला तो है सारी मार्केट में। स्पेशल वैरायटी इंसाफ काइट हाउस की हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये पतंगे निकाल के जो है वो ला रहे हैं ये जी, ये डेढ़ तावा लेकर आए हैं, सूट में है ये। और इसका साइज़ क्या है भाई? डेढ़ तावा जो है ये कितने का जी? 40 रुपये में डेढ़ तावा सूट में जो आपको मिलेगा। पतंगों के रेट्स उन्होंने बता दिए हैं, पतंगों की शार्ट्स हम आपको दिखाने जा रहे हैं, पिंक, ग्रीन, वाइट, पर्पल, ब्लैक, हर किस्म की पतंग यहाँ पे इनके पास है। 4.5 गिठी से लेके 6.5 गिठी तक इनके पास पतंग अवेलेबल है। और जो पीछे जो डेढ़ तावे लगे हुए हैं फैंसी, इनके क्या रेट हैं? ये तावे थोड़ा साइज़ बड़ा है, इनका रेट क्या है? 4000 रुपये में जो ये फैंसी गुड्डे आप देख रहे हैं, जो आपको 4000 रुपये में इंसाफ गुड्डी फरोश पेशावर में आपको मिलेंगी जी। जी एक और हमारे भाई जो हैं अपने बच्चों को साथ लेकर आए हुए हैं काइट्स लेने के लिए, आज संडे का दिन है। और जैसे कि आपको पहले मैंने बताया कि बच्चे काफ़ी आज एक्साइटेड हैं जी। बेटा बताइएगा कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, आपका नाम क्या है? मैं क्लास 2 में पढ़ता हूँ, मेरा नाम है माहद। माहद बेटा आपने जो आपने कौन कौन सी काइट्स ख़रीदी हैं और क्यों ख़रीदी हैं, आपको पापा ने क्यों लेकर दी हैं? उड़ाने के लिए। तो आपको काइट्स उड़ाना अच्छा लगता है जी? अच्छा, आप इनके पापा से बात करते हैं जी, बताइएगा जी आप जो है बचपन में काइट्स उड़ाते थे, कैसे आपके? बिल्कुल जी, ये हमारी बहुत पुरानी ट्रेडिशन है जो अभी मादूम होती जा रही है जी। एक स्ट्रक्चर बनाए इसका कि लोग ये शौक़ जो है ये चलता रहे, ये बहुत कदीम शौक़ है और इन बच्चों को भी हमने हमसे ही मुंतकिल हुआ है और इनका बहुत ज़्यादा
इसमें वो है कि कर रही है सुबह सुबह, मुझे नाश्ता इन्होंने नहीं किया और ये काइट्स वगैरह लेने सुबह सुबह पहुँचे। बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखिएगा काइट्स उड़ाते हुए। बहुत शुक्रिया आपका। देखेंगे कितनी ज़्यादा रश है एक शॉप पे, ऊपर डिज़ाइन देखेंगे गुड्डों के और इसके बाद नीचे बच्चों को देखेंगे कैसे जो है ऐसे लग रहा है कि जैसे इनको मुफ्त बांटी जा रही है यहाँ पे काइट्स। ये देखिएगा हर बच्चे के हाथ में वो काइट्स है, वो चेक कर रहा है कि इसका तीर और कमान कैसा है और उसके बाद जो है वो ख़रीद रहा है। ये एक और काइट आई है जिसमें लव लिखा हुआ है। ये एक अपने बच्चे ने जो अपने लिए काइट देखी है वो लव उस पर लिखा हुआ है, वो चेक कर रहे हैं कि ये कैसी है जी, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। आप बेटा राशि खबर होगी, आप बेटा कहाँ से आए और क्या लेने आए हैं? पतंग लेने आए हैं। कहाँ से आए हैं? पीछे कचमाले से। ये कचमाले से पतंग लेने आए। आपको काइट उड़ाना, पतंग उड़ाना कैसा लगता है? मज़े का, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, उड़ा रहे हैं। एक और जो है ये बच्चे पतंगे लेकर लेके जा रहे हैं जी। उम्मीद है कि आपको जो है आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अब मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक करने का बहुत बहुत शुक्रिया।